गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड लेसन सिक्स माई स्कूल। हम लोग लेसन सिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है माई स्कूल। हमने उसमें पढ़ा था तानिया के बारे में। तानिया किस स्कूल में पढ़ती हैं? वह सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट हैं और वह स्कूल के अंदर क्या क्या सीखती हैं? लिखना, पढ़ना और ड्राइंग करना सीखती हैं। वह उसकी बुक्स को स्कूल किस में रख के लेके जाती हैं? स्कूल बैग के अंदर अपनी बुक्स को रखती हैं और स्कूल लेके जाती हैं। उसके टीचर्स उसे बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें सिखाते हैं। वह स्कूल में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और ड्राइंग पढ़ती हैं। और तानिया की फेवरेट टीचर कौन है? मिस प्रीति। उसका क्लासरूम छोटा सा है लेकिन बहुत ही कलरफुल है। उसकी क्लास में एक ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड पर उसके टीचर्स चॉक का यूज करके लिखते हैं। तानिया चेयर पर बैठती हैं और उसकी बुक्स को डेस्क के ऊपर रखती हैं। और लंच टाइम में वह अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाती हैं और प्लेग्राउंड में खेलती भी हैं। इतना हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स अबाउट स्कूल फ्रॉम तानिया। हमने स्कूल के बारे में अभी बहुत सारी बातें पढ़ी। किससे सीखी हमने इतनी सारी बातें? तानिया से। नाउ हैव फन टेलिंग अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू योर स्कूल। फन मीन्स मजा, टेल मीन्स बताना। अब आपको आपके स्कूल के बारे में कुछ चीजें बतानी हैं। हियर इज एन एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपके होमवर्क में करना है आपको, या आपको आपके खुद से करना रहेगी। थिंक एंड टिक द करेक्ट आंसर। थिंक मीन्स सोचना एंड टिक द करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है और फिर जो करेक्ट आंसर रहेगा उसके सामने वाले बॉक्स के ऊपर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन योर स्कूल। व्हाट मीन्स क्या, डू करना। आप स्कूल में सबसे पहली चीज क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग, पहली चीज मतलब क्या, आप जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो आप लोग क्या करते हैं स्कूल में? सेइंग प्रेयर, आप लोग प्रेयर करते हैं। प्लेइंग गेम्स, आप लोग गेम्स खेलते हैं। हैविंग लंच, या फिर स्कूल जाते ही आप लोग लंच करने लग जाते हैं। आप इन तीनों में से क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, गेम्स खेलते हैं या फिर लंच करते हैं। जो भी आप करते हैं आपको उसके सामने वाले बॉक्स के ऊपर टिक लगाना है। सेकेंड इज डू यू कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू। क्या आप वाटर बॉटल कैरी करते हैं स्कूल में? कैरी मीन्स लेकर जाना, तो क्या आप वाटर बॉटल लेकर जाते हैं, अपने साथ रखते हैं स्कूल के अंदर? यस और नो। अगर आप अपनी बॉटल साथ लेकर आते हैं तो यस, इफ नॉट देन नो। अगर नहीं लेकर आते हैं तो नहीं, या फिर नो पे आपको टिक लगाना है। थर्ड इज देयर अ प्ले ग्राउंड इन योर स्कूल।
क्या आपके स्कूल में प्लेग्राउंड हैं? यस और नो, आपको टिक लगाना है. वेयर डू यू से प्रेयर इन योर स्कूल, आप स्कूल में प्रेयर कहाँ पर करते हैं? वेयर मीन्स कहाँ. आप स्कूल में प्रेयर कहाँ पर करते हैं? इन क्लास, क्लास के अंदर. इन असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में. या फिर इन प्लेग्राउंड, या फिर प्लेग्राउंड के अंदर. एंड द लास्ट इज व्हाट डज योर टीचर यूज टू राइट ऑन. व्हाट मीन्स क्या, यूज मीन्स इस्तेमाल करना, उपयोग करना, और राइट मीन्स लिखना. आपके टीचर लिखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड. आपके स्कूल में व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं? ठीक है, यह आपका होमवर्क है. इट इज योर होमवर्क. यह आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में ही फिल करिएगा. इन सम स्कूल्स, सम मीन्स कुछ, कुछ स्कूल्स में टीचर्स टीच यूजिंग व्हाइट बोर्ड विथ मार्कर. कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं. जिस तरह से क्लास के अंदर ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, ब्लैक कलर के बोर्ड पर किससे लिखते हैं? चौक से लिखते हैं. उसी तरह से एक व्हाइट बोर्ड भी होता है. व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग मार्कर का यूज करके लिखते हैं. ठीक है, मार्कर का यूज करते हैं. डस्टर इज यूज्ड टू क्लीन द बोर्ड. और उस बोर्ड को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, जो भी उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसे वहां से हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? डस्टर का. स्टूडेंट्स शुड पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स. स्टूडेंट्स मीन्स बच्चे. तो बच्चों को या विद्यार्थियों को उनके टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए. रिस्पेक्ट मीन्स आदर, सम्मान. तो स्टूडेंट्स को उनके टीचर्स का सम्मान करना चाहिए. स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज वियर स्कूल यूनिफॉर्म फॉर गोइंग टू स्कूल. स्टूडेंट्स को हमेशा स्कूल जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए. ठीक है, स्कूल में हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना चाहिए. टाइम टू रीलर्न. रीलर्न मीन्स लर्न का मतलब होता है सीखना. रीलर्न फिर से सीखना. तो पूरे चैप्टर में जितना भी कुछ हम लोगों ने अभी सीखा है उसे फिर से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे. स्कूल इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स लर्न टू रीड, राइट एंड ड्रॉ. स्कूल ऐसा प्लेस है. प्लेस मीन्स क्या होता है? जगह. तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं? लर्न मीन्स सीखना. तो जहां पर स्टूडेंट्स रीड करना मीन्स पढ़ना, राइट लिखना, और ड्रॉ करना सीखते हैं. टीचर्स टीच मैनी न्यू थिंग्स इन द स्कूल. टीचर्स स्कूल में बहुत सारी नई नई चीजें सिखाते हैं. मैनी मीन्स बहुत सारी, और टीच सिखाना. ठीक है, और न्यू नई. तो स्कूल में टीचर्स बहुत सारी नई नई चीजें सिखाते हैं. अ टीचर टीचेस यूजिंग ब्लैक बोर्ड एंड चॉक स्टिक्स. टीचर किस चीज का यूज करके टीच करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं? ब्लैक बोर्ड का और चॉक का यूज करते हैं सिखाने के लिए, और या फिर व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर पेन, या फिर व्हाइट बोर्ड का और मार्कर का यूज करते हैं.
Students carry books in their school bags. Students उनके school bag के अंदर books को रखते हैं. Students should pay respect to their teachers. Student को उनके teachers की respect करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए. ठीक है, we will do the exercise of this lesson in next class. हम इस lesson की exercise को next class में करेंगे.